हाय फ्रेंड्स, Realme 9 Pro इंडिया में लॉन्च हो गई है और ये फोन ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। अगर आप इस फोन को ऑफलाइन मार्केट से परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर से परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस फोन को किस प्राइस पे परचेज करेंगे, साथ ही आप इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पे क्या ऑफर चल रही है ऑफलाइन में, और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फोन कब अवेलेबल हो रही है ऑफलाइन मार्केट में। सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको Realme 9 Pro के बारे में, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्नोवाइन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बार आपको बताना चाहूंगा कि Realme 9 Pro इंडिया में अवेलेबल हो गई है और आज इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट भी हो गई है। यहाँ दोस्तों 23 फरवरी को इस फोन की पहली सेल स्टार्ट हो गई है और आप इस फोन को फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि ये फोन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी 1 मार्च के बाद। आप अपने नियर बाय मार्केट में जाके पता कर सकते हैं, आपको ये फोन मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी और आप किसी भी वेरिएंट को इंडिया में परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। 1 मार्च के बाद आप अपने मार्केट में इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर रियलमी के स्टोर से परचेज करते हैं तो ये फोन की क्या प्राइस होने वाली है। अभी हर एक जगह ऑल इंडिया में रियलमी स्टोर खुल रही है। अगर आपके यहाँ खुल गई है तो आप रियलमी स्टोर पे जाएं और रियलमी स्टोर पे जाने के बाद रियलमी 9 प्रो को परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस ऑनलाइन प्राइस जो है सेम प्राइस पे आपको ऑफलाइन में भी देखने के लिए मिल जाएगी। जिस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हुई है सेम प्राइस पे आपको देखने मिलेगी। ऑफलाइन मार्केट में किसी भी फोन पे किसी भी तरह का कोई ऑफर देखने के लिए नहीं मिलता है। जो भी ऑफर होता है ओनली फॉर ऑनलाइन ऑफर होता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे ये फोन Realme 9 Pro दो जगह अवेलेबल है। आप दोनों जगह से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। पहला जगह है फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं, यहाँ आपको ऑफर मिल जाएगा। और एक जगह है Realme वेबसाइट, आप Realme वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हैं, वहां भी ये फोन अवेलेबल होगी। आप वहां भी आज से ही परचेज कर सकते हैं, मतलब 23 फरवरी के बाद कभी भी जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको सेम प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन पे है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन पे जो ऑफर में प्राइस होती है वो ऑफर वाली प्राइस भी आपको नहीं देखने मिलेगी। ये प्राइस ऑनलाइन जो लॉन्च हुई है जिस प्राइस पे सेम प्राइस पे देखने के लिए मिलेगी, इसमें ज्यादा ना कम देखने मिलेगा। ऑफलाइन में किसी भी तरह कोई ऑफर नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, अगर आप किसी भी लोकल स्टोर से परचेज करते हैं जो कि रियलमी स्टोर नहीं है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है 1000 से 500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाए अपने पॉकेट से मोबाइल के प्राइस के एक्स्ट्रा पेमेंट। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास रियलमी से कोई भी टाइप किया हुआ नहीं होता। रियलमी उनको फोन नहीं भेजती है कि लीजिए आप मेरा फोन सेल कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो आपसे 1000 से 500 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करें फोन आपको बेचने के लिए। अगर आप फोन खरीद रहे हैं तो हो सकता है आपको 1000 से 500 रुपए एक्स्ट्रा मांगे हो कभी भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने फोन परचेज करने किया और आपने आपसे मांगा गया 1000-500 रुपए एक्स्ट्रा फोन के प्राइस से, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा घटना हो चुकी है और आपने कितना पेमेंट एक्स्ट्रा किया था, 1000 रुपया 500 रुपया 1500 रुपया जो भी हो, 2000 रुपया जो भी हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इतना रुपया एक्स्ट्रा देके पेमेंट करके मैंने फोन परचेज किया है। रियलमी Xiaomi किसी भी कंपनी का हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आप Realme स्टोर आपके नजदीक में है तो आप Realme स्टोर से ही परचेज कीजिए, आपको फोन की सेम वैल्यू देखने मिल जाएगी, सेम प्राइस देखने मिलेगी जो कि है ऑफलाइन मार्केट में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। आपसे मिलूंगा इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में।